ऑल आईज ऑन रफा तो खूब चला, लेकिन अब ऑल आईज ऑन रियासी के टाइम हर किसी को सांप सूंघ गया है। बॉलीवुड के सभी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ हमारे देश के सभी सूडो इंटेलेक्चुअल्स सब के सब रियासी के मुद्दे पर चुप हैं। कोई भी ऑल आईज ऑन रियासी की स्टोरी नहीं लगा रहा, कोई ऑल आईज ऑन रियासी की पोस्ट कहीं पोस्ट नहीं कर रहा, और तो और सबसे बड़ी बात, कोई इस मुद्दे पर बात तक नहीं करना चाहता। आपको पता है क्यों? क्योंकि रियासी में मारे गए लोग हिंदू थे। जी हाँ, हम ये बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि रियासी में मारे गए लोग हिंदू थे, इसीलिए कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। हिंदू के जान के बारे में बोलना आपको बहुत सांप्रदायिक और कम्युनल बना देगा, वहीं दूसरे धर्म के बारे में बात करके आप एक वो कैटेगरी में आ जाते हैं। खैर, 9 जून को रियासी में क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 9 जून रविवार की शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक कर दिया। ये बस उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तीर्थ यात्रियों को ले जा रही थी, जो हमले के बाद गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 घायल बताए जा रहे हैं। शाम करीब 6:15 बजे गोलीबारी के बाद 53 सीटर बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई। आतंकवादियों ने बस पर उस समय गोलीबारी की जब यह पोनी क्षेत्र के तेरियात गांव के पास शिवखोरी मंदिर से कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। बस ड्राइवर के पास बैठे एक तीर्थयात्री ने घायल अवस्था में अस्पताल में क्या कुछ बताया इस हमले के बारे में, जरा सुनिए। मैंने अपने आँख से केवल एक लोग को देखा था जो ऑन रोड पे बीच रोड पे खड़ा था और फायरिंग कर रहा था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफी टाइम तक फायरिंग हुआ, उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा। लगभग आधा घंटा तक, 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम लोग बाहर निकले। कितने लोग? एक ही शख्स था जिसे आपने देखा? हाँ, अपने आँख से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हों, हम मैं देख पाए हूँ। बस के आगे आया था वो, आगे से फायरिंग, जस्ट सामने से फायरिंग किया था। आप दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे? वापस लौट रहे थे, हम लोग सब वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद में। हाँ, बस अचानक जो है बस पहाड़ से नीचे उतर रही थी, तभी देखा हमने कि जो है ऑन रोड पे एक व्यक्ति है जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहने हुआ था, और वो फायरिंग कर रहा था। फेस पे उन्होंने ब्लैक गोली चालक को लगी थी सबसे पहली? हाँ, पहले हमें लग रहा है कि पहले चालक को लगी थी। उनको लगी होगी और फिर संतुलन बिगड़ा होगा और फिर बस खाई में गिर गई है। एक तो कंफर्म लगी है, मत्थे पे लगी थी गोली, हम देखे हैं उसके खून निकल रहा था। कहाँ बैठे थे? हम ड्राइवर के जस्ट बगल वाले से पहले लगभग 2 फुट की दूरी पर, बगल में बिल्कुल पास में बैठे थे। हाँ, उसके बाद जब बस खाई में गिर गई उसके बाद भी फायरिंग हुई? हाँ, उसके बाद में फायरिंग हुई थी, लगातार हो रही थी फायरिंग। इस हमले में कई बच्चे भी मारे गए और उनकी तस्वीरें देखी नहीं देखी जाती, लेकिन हमारे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इन बच्चों में भी फर्क कर रहे हैं। इन्हें फिलिस्तीन में मारे गए बच्चों की तो फिक्र है, लेकिन हमारे देश के बच्चों की फिक्र नहीं है। क्यों? आप सभी ने देखा होगा कि सभी बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस ने ऑल आईज ऑन रफा की स्टोरी लगाई थी, लेकिन आज जब हमारे देश में इतना बड़ा हमला हुआ है जहां पर इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए, लेकिन हमारे इन बॉलीवुड एक्टर्स ने क्या किया? प्रोपेगेंडा, जो कि ये टूल किट के आधार पर समय समय पर करते रहते हैं। और हमारे देश के लोगों की त्रासदी दिखती होती तो वो करते ऑल आईज ऑन कश्मीरी पंडित, ऑल आईज ऑन संदेश काली भी करते, वहीं ऑल आईज ऑन पाकिस्तानी हिंदू भी करते, और आज जो इतना बड़ा हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में तो ऑल आईज ऑन रियासी भी करते। लेकिन हमारी जो उम्मीदें हैं गलत है, क्योंकि उन्होंने ये ना पहले कभी किया था और ना अभी करेंगे, क्योंकि इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के एजेंडा में हिंदू और उनके मौत फिट नहीं बैठता। इतना बड़ा हमला जम्मू कश्मीर में हुआ तो आप कहाँ हैं? किसी ने भी इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। सबसे बड़ा सवाल इस पर आता है कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स क्या कर रहे हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।